त्योहार लोगों की आस्थाओं और मान्यताओं से जुड़े होते हैं। अलग अलग आस्थाओं से जुड़े लोग अपने अपने तरीकों से हर पर्व मनाते हैं। इसी बीच शुक्रवार को लोग सतुवानी का पर्व पूरे हर्षोल्लास से मना रहे हैं। त्योहार को लेकर पटना सिटी के गाय घाट और कंगन घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई, जहां लोग गंगा में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु की पूजा करते नजर आए। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करके सत्तू और रवि फसल के फल दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही आज के दिन लोग सत्तू और गुड़ का सेवन करना लाभकारी मानते हैं। गंगा स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने पूरी आस्था और विश्वास के साथ विष्णु भगवान की पूजा की और अपने परिवार की सुख शांति की कामना की। घाट के पुजारी ने शादी विवाह के लग्न के मुहूर्त के बारे में भी बताया। आज जो है इतना दिन से जो खड़मास चला रहा था, जो है एक महीना के बाद ये जो आज खड़मास समाप्त हुआ है, लेकिन शादी विवाह लग्न का मुहूर्त अभी नहीं है। और इस गंगा स्नान सतुवानी के गंगा स्नान पर जो स्नान व्यक्ति करते हैं, वे रोग से दोष से सब उनका नष्ट हो जाता है। और ये सत्तू संक्रांति भी इसको कहा जाता है। और हर साल सत्तू खाइए, खिलाइए, दान कीजिए, फल दान कीजिए, घड़ा दान है, जल दान है, यही इसमें महत्व है। रोग दोष से सारे ये गंगा स्नान से वे व्यक्ति मुक्त हो जाता है, पाप नष्ट हो जाता है। आमतौर पर हर साल सतुवानी का त्योहार 14 या 15 अप्रैल को ही पड़ता है। इस साल ये पर्व 14 अप्रैल को पड़ रहा है। इसी के साथ इस दिन को गर्मी के मौसम की शुरुआत माना जाता है, इसलिए इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं। सतुवानी के दिन सत्तू खाने की परंपरा काफी लंबे समय से चली आ रही है। इस दिन लोग मिट्टी के बर्तन में भगवान को पानी, गेहूं, जौ, चना और मक्का के सत्तू के साथ आम का टिकोरा चढ़ाते हैं। इसके बाद इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। बिहार में ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी बिहार वासियों को हमारी तरफ से भी सतुवानी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you.